नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे आप एक काजल के जरिए, जी हाँ, मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ एक काजल का। आप कोई भी काजल ले सकते हैं जो भी आपके घर में अवेलेबल हो। आप, जी हाँ, ये उन पुरुषों के लिए ये वीडियो है जो लोग अपनी स्त्री को, अपनी बीवी को, या फिर किसी पराई स्त्री को, अपनी भाभी को, या पड़ोसन को, किसी भी महिला को जो उनके जीवन में कोई महिला है, उसे अपने वश में करना चाहते हैं कि वो उनकी हर बात मान जाए। तो आज आपको बताते हैं एक ऐसा उपाय जिससे वो महिला आपके वश में होगी। जी हाँ, आप चाहेंगे कि वो महिला आपकी हर बात माने तो वो महिला आपकी बात मानेगी। पर एक बात का ध्यान रखें, इसका उपयोग आपको अच्छे कार्य के लिए ही करना है। किसी भी बुरे कार्य के लिए इसका उपयोग ना करें। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। कोई भी काजल आप ले सकते हैं। मैंने अभी आपके इस वीडियो में आपको दिखाने के लिए ये काजल का उपयोग किया है। आप चाहें तो वो जो स्टिक वाला, लकड़ी वाला काजल आता है, या फिर किसी भी तरह का काजल आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको पता चलेगा कि कैसे आप काजल से एक शक्तिशाली वशीकरण कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जो चीजें आपको इस्तेमाल में आएंगी वो है एक काजल और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। कागज का टुकड़ा इसलिए कि मैं आपको एक मंत्र बताने वाली हूँ, उस मंत्र में आप कोई भी गलती ना करें। जी हाँ, कोई भी गलती अगर करेंगे तो समस्या हो सकती है। तो मंत्र को अच्छे से लिख लीजिए, क्योंकि ये शाबर मंत्र है। अगर आप इसे सिद्ध कर लेते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात हो जाएगी, आपके काम पूरे हो जाएंगे। जो मंत्र है वो है, माता की शैया पर पांव धरे। जी, इस तरह से आप लिख लीजिए और नीचे आप लिखिए अमुक की दुहाई, अमुक की दुहाई, गुरु की शक्ति। मैंने छोटे से कागज पर इसलिए लिखा है जिससे कि मैं आपको ये पूरा जो मंत्र है वो अच्छे से दिखा सकूं। उसके बाद लिखिए अमुक की आन, और अंत में आपको लिखना है ओम नमो आदेश, ओम नमो आदेश अमुक का। दूध पियो हराम। जी हाँ, ये मंत्र है। यहां पर मैं आपको बताती हूँ, ये एक शाबर मंत्र होता है। यहां पर जहां जहां पर मैंने अमुक लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं मैंने तीन जगहों पर अमुक लिखा हुआ है। तो अमुक जहां पर लिखा हुआ है वहां पर आपको ये मंत्र, आप ध्यान से देख लीजिए, इस मंत्र को आप नोट कर लीजिए। मंत्र है, माता की शैया पर पांव धरे, अमुक की दुहाई, गुरु की शक्ति, अमुक की आन, ओम नमो आदेश, अमुक को दूध पियो हराम। जहां जहां अमुक लिखा है वहां पर आपको बोलना है उस महिला का नाम जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं। जी हाँ, इस मंत्र को आपको सिद्ध कर लेना है बोलकर। आपको बता दें कि जैसे शाबर मंत्र जो है वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। जी हाँ, इस सच्चाई से कोई भी मुख नहीं मोड़ सकता कि शास्त्रीय मंत्रों के प्रभाव की कमी को ये शाबर मंत्र बड़ी ही सफलता से पूर्ण कर देते हैं। शाबर मंत्र में बहुत ज्यादा शक्ति होती है जिससे ये सफलता और आपको जल्दी प्रभाव देते हैं। इसीलिए शाबर मंत्र जो है आजकल लोग बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस पर पूरी तरह से, जो इसको पूरी तरह से कर चुके हैं, मतलब इनको अभिमंत्रित कर चुके हैं, इन मंत्रों को पूरा कर चुके हैं, वो लोग इन मंत्रों का उपयोग जरूर करते हैं, क्योंकि इससे आपका जो भी कार्य है वो तुरंत हो जाता है। हमारे जो गुरुजी हैं वो भी इन्हीं मंत्रों का इस्तेमाल करते हैं जिससे कि भक्तों के जीवन की समस्याओं को दूर किया जा सके। अगर आपको लगता है आप इस मंत्र को नहीं कर पा रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे या आप करना नहीं चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर कॉल लगाइए, गुरुजी आपके लिए इस मंत्र को जरूर करेंगे। मैं आपको फिर भी इसका तरीका बता देती हूँ। इस मंत्र को आपको बोलना है 1111 बार। आप अपने सामने चावल के दाने रख लीजिए और उसके बाद इस मंत्र को पढ़िए।
1111 बार। आपको एक ही रात में ये कार्य पूरा करना है। ये मंत्र अभिमंत्रित हो जाएगा। इस काजल को आपको इसके अंदर इस तरह से रख देना है। जी हाँ, इस कागज को लेकर आपको इसमें बांधना है। इसके लिए आप काले धागे का उपयोग कर सकते हैं। काले धागे से आप इसे बांध दीजिए और उसके बाद पूरी तरह से इसमें इसको लपेट कर आप एक जगह रख दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि अगली सुबह ये आपको काजल अपनी प्रेमिका, अपनी पत्नी, जो भी, जिस भी स्त्री को, जिस भी महिला को आप वश में करना चाहते हैं, आपको उसे दे देना है। वो इसको नहीं भी लगाए, सिर्फ आपके हाथों से इसे ले ले, तो ही आपका मंत्र पूरा हो जाएगा। वो महिला आपके वश में हो जाएगी। आप जो कार्य उससे करवाना चाहते हैं वो कार्य खुशी खुशी करेगी। लेकिन दोस्तों, बस एक ही बात का याद रखें कि इसे गलत कार्य के लिए उपयोग ना करें। किसी को भी हानि पहुंचाने के लिए आप इसका उपयोग ना करें। अच्छे कार्य के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो भक्तों, आज के लिए बस इतना ही। कोई भी समस्या हो, कोई भी सवाल हो, हमारे नंबर पे कॉल जरूर कीजिए। भक्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।